Yes.
क्योंकि आज की दुनिया में यदि किसी चीज की जरूरत, हम पैसे देने से ऐतराज नहीं करते, हम किसी को गाली देने से ऐतराज नहीं करते, हम किसी को उपहार देने में ऐतराज नहीं करते। अगर हमें कंजूसी कभी करते हैं तो हम किसी को प्रोत्साहन या उत्साहित करने में कंजूसी करते हैं, और ये काम आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। क्योंकि आज की जो पीढ़ी है या हम जो पीढ़ी है, हमारा ये मानना कि युवा का मतलब क्या होता है, युवा का क्या मतलब होता है? क्या युवा का संबंध हमारी उम्र से है? युवा का संबंध हमारी उम्र से नहीं है, युवा का संबंध हमारी अवस्था से है। यानी वो व्यक्ति जो अपने बच्चे के पैर में भी जूते पहना सके और अपने वालिद और वालिदा के पैर में भी जूते पहना सके, वो व्यक्ति युवा है। तो आज के दौर में जो बब्लू भाई जनाब काम कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि अपने बच्चों के पैर में भी जूते पहनाने का काम कर रहे हैं और अपने बुजुर्गों के पैर में भी जूते पहनाने का काम कर रहे हैं। तो आप निश्चित रूप से जब तक रहेंगे आप युवा ही रहेंगे, क्योंकि कल कल का क्या मतलब है? कल को हम जो बीत गया है उसके लिए भी कल का इस्तेमाल करते हैं, और जो आने वाला है उसके लिए भी करते हैं कल का इस्तेमाल। ठीक, कि वो कल मिले थे आनंद कुमार साहब, टिया वाजपेयी जी बहुत खूबसूरत लड़के थे, उनको कल देखा था। और अब टिया वाजपेयी जी की देसी कट्टे फिल्म है, उसको हम कल देखने जाएंगे। तो ये कल एक ऐसा शब्द है जो हम दोनों जगह इस्तेमाल करते हैं। तो कल यानी जो हमारे बुजुर्ग जो हमसे पहले आए थे, और कल यानी जो हमारे बच्चे हैं, इन दो कलों के बीच में जो आज खड़ा हो यानी बबलू भाई, बासुदा मिला लेना। तो बच्चे और बुजुर्गों के बीच में जो आज खड़ा है, उस कल को इस कल से जो मिलाने का काम कर रहा है, वो निश्चित रूप से एक ऐसा बंदा है जिसे आप युवा कह सकते हैं। तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हमारा ये मानना है कि शुभकामनाएं और आशीर्वाद निश्चित रूप से हमेशा फलती है, क्योंकि आज के दौर में बच्चों को करेक्शन की जरूरत नहीं है, बच्चों को डायरेक्शन की जरूरत है। और हम और आप अक्सर ये गलतियां करते हैं कि हम अपने बच्चों को करेक्ट करने में लग जाते हैं, और पूरी जिंदगी निकल जाती है, ना वो करेक्ट हो पाते हैं और ना हम करेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि हमारे वालिद हमको करेक्ट नहीं कर पाए तो हम अपने बच्चों को कैसे करेक्ट कर पाएंगे। तो हम बच्चों को करेक्ट करने की गलती ना करें, हम बच्चों को डायरेक्ट करने की गलती करें। तो हम देखेंगे कि नजर को बदल दो तो नजारा बदल जाता है, सोच को बदल दो तो सितारा बदल जाता है, और कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदल दो किनारा बदल जाता है। पहले तो शुक्रिया, थैंक यू हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए, और इतना जो वार्म वेलकम मिला है यहाँ पे, मैंने कहीं देखा नहीं है, और आप लोग शायद कई बार मुझे देख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अभी सर अभी भी बोलो, इतना सुना आपके बारे में, अभी तो आई वांट टू से कि थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस अपने कम्युनिटी के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज यही होती है, तो आप कम्युनिटी के लिए काम करते हैं और हम सब एक हैं, और ये जो कॉज है इतना अच्छा है जो हो रहा है, आपने आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। सो मेरा जो फर्स्ट फिल्म है, हम सब साथ में आए हैं इसके लिए, तो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज बेसिकली देखिए, और बहुत अच्छा काम किया। सॉरी टू मोशन हो रहा है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। और बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत शेर का। मैं पहले भी यहाँ था, आपके टीम के पहले यहाँ आ चुकी थी, तो देख रही थी जिस तरह से सारी बच्चियों को अवार्ड मिल रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब पेरेंट्स जो है अपनी बच्चियों को इतना बढ़ावा देते हैं, उन्हें इतना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आज तक बचपन से ना हमेशा ये देखते आए हैं कि 16 साल में किसी की शादी कर दी, 18 साल में किसी की शादी कर दी,
पढ़ ही नहीं पाए, शायद 20 साल की उम्र के शायद उनके 4 बच्चे हो गए, पूरी जिंदगी वैसे निकल जाती है ना। लेकिन आप सब बहुत लकी हैं और डॉक्टर भाई साहब आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आप इस जो है इस कॉज के साथ जुड़े हुए हैं। एंड आप सब को भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, जिन्हें अवार्ड मिले हैं मुझे पता है अवार्ड मिलना बड़ा अच्छा लगता है, तो कांग्रेचुलेशन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो प्लीज देसी कट्टे झांकी जरूर देखिए। थैंक यू सो मच। हासिल करने का जज्बा, इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी दुनिया है, तो उस दुनिया में आप जितना भी हासिल करते जाएं सब छोटा नजर आता है। तो ये हमेशा आपको आनंद देती है और ये निश्चित रूप से बड़े आनंद का विषय हमारे लिए। जिस तरह से बबलू भाई बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं कि बच्चे जो कम मार्क्स लाए वो भी आगे लेके आए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए बच्चों के? पहले ये अपनी स्पीच में बोला ही कि दुनिया में अगर किसी से कोई अच्छा काम करवाना है तो उसको आप प्रोत्साहित करना शुरू कीजिए। हम किसान, हम भारतवर्ष जो है वो किसानों की भूमि है, तो आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी पौधे को लगाते हैं तो उसकी हम चुरौड़ी करते हैं, उसके खाद पानी डालते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसके बागड़ डालते हैं, उसको धूप देते हैं, उसमें रासायनिक पदार्थ डालते हैं, ये सब क्या है? ये उस वृक्ष को, उस बीज को प्रोत्साहित करने के तरीके हैं, इनकरेज करने के तरीके हैं। तो जब आप उसको इनकरेज करते हैं तो बीज वृक्ष बन जाता है और फिर आपको फल देने लगता है। ऐसे ही हम सबके साथ ही होता है। बिल्कुल 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 जी। नहीं, मुझे देखिए अभिनेताओं का काम होता है कि फिल्म में अच्छे से अभिनय करना और उसके बाद उसके रिलीज के दौरान उनको अपने प्रमोशन में जाना, बाकी रिलीज की तारीखें आगे पीछे बढ़ना नहीं बढ़ना ये निश्चित रूप से निर्माता का पूरा कॉल होता है। और मुझे लगता है कि वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि तारीख बढ़ना नहीं बढ़ना। हमारे लिए तो जिस दिन रिलीज होगी फिल्म वही दिन शुभ दिन है, वही दिन शुक्रवार। तो आप रेडी हैं देसी कट्टे के लिए? इसमें रेडी होने की ज़रूरत नहीं है, हम तो फिल्म का बनते हैं, रेडी है तभी रिलीज होगी। हाँ, वो आने वाले हैं और वो आएंगे। हम लोग चूँकि यहीं रहते हैं, वो रहते हैं टाउन में, तो आने जाने में और गणपति जी के विसर्जन का समय है, तो मुझे लगता है कि ट्रैफिक क्या करेंगे। अशोक एक सवाल कि देसी कट्टे में अंदाजा बया क्या होगा आपके किरदार का? नहीं तो देसी कट्टे देख के आप बात करेंगे। नहीं, टीजर नहीं दिखाते, टीजर दिखाएंगे, सिनेमा देखें, फिल्मी की है, टीजर क्यों दिखाएंगे। उपस्थित सभी हस्तियों को मेरा प्यारा सम्मान और
ढेर सारा प्यार और एक बड़ी बड़ी कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जब हम स्कूल में थे तब हमारे सारे टॉपर्स को जो 90% से ज्यादा लाते थे मार्क्स, उनको एक अलग नजरिए से देखते थे हम लोग, ये सोचते कि हम लोग कभी ये नहीं कर पाएंगे। तो आज जब मुझे यहाँ पर बुलाया गया इस बात को लेकर कि जो हमारे टॉपर्स हैं जिन्होंने जितना हाई मार्क्स लेकर नाम रोशन किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाबू भाई हमेशा नेक काम करते आ रहे हैं, मैं काफी समय से उन्हें जानता हूँ, तो मुझे उन्होंने फोन करके बताया कि ऐसा काम करना है, लोगों को अवार्ड देने हैं और उनका ऐसा रिस्पेक्ट देना है, तो मुझे जरूर आना चाहिए, इस अवसर का हिस्सा होना चाहिए। तो मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी हो रही है कि इतने सारे टॉपर्स हैं, जो इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा मार्क्स ले आए हैं और अपने फैमिली अपने पेरेंट्स को इतना प्राउड किया हुआ। तो मैं खुशी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मेरे मम्मी डैडी मुझे सिखाया है कि वो एजुकेशन, और कुछ भी हो लेकिन एजुकेशन सफर हो। एजुकेशन एक चीज़ होती है जो हमारे आगे की जिंदगी में हमेशा काम आती है, कुछ भी हो, कुछ भी सिचुएशन हो, कुछ भी हालात हो, कुछ भी सर्कमस्टेंस हो, एजुकेशन के बिना हम कुछ कर नहीं सकते। तो मैं हमेशा जब एजुकेशन की बात आती है तो मुझे हमेशा गर्व होता है, हमेशा खुशी होती है कि मैं इस कोर्स को या ऐसे अवसरों को सपोर्ट करूँ। तो उसी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। हालांकि मम्मा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी मैं सारे जो अवार्डीज हैं जिन्होंने इतने अच्छे मार्क्स हैं उनको मैं एक बार मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि ऑल द बेस्ट, मेनी कांग्रेचुलेशंस, मे गॉड बी विद यू एंड मे यू मेक योरसेल्फ्स, योर फैमिली एंड दिस कंट्री वेरी वेरी प्राउड। बिल्कुल याद है, क्योंकि जब हम लोग स्कूल में थे तो हम अपने सारे टॉपर्स को एक अलग नजरों से देखते थे और यही सोचते थे कि काश हम लोग भी इतने बड़े बड़े मार्क्स लेके आए। और 90s के वर्ष हम लोग सिर्फ सोच सकते थे, ये इमेजिन नहीं कर सकते कि हम खुद ला सकते हैं। लेकिन बट जोक से पार्ट, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अच्छी अचीवमेंट है कि आपके इतने बड़े मार्क्स 90s में परसेंटेज आपके आए स्कूल में और आप अपने फैमिली को यू नो एक सेंस ऑफ प्राइड दे। आपके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या था कॉलेज में, क्या मिला था? कॉलेज में मैंने काफ़ी एक्चुअली ब्लैकलिस्ट में था, अटेंडेंस की वजह से मैं काफ़ी बंक करता था, काफ़ी शरारती था, लेकिन ऐसा कोई एक गिफ्ट नहीं था जो मुझे याद हो और उसके बारे में मैं कभी कभी सोचता हूँ। ऐसा जो अभी आपने जब इंट्री मारी तो अपनी आपने अपनी फैन फॉलोइंग अभी अभी देख ली आपने की कितनी है, लेकिन इन्हीं फैन में से कुछ ऐसे फैन हैं जो पूछते हैं कि बॉलीवुड से नाराज हैं आप कुछ इन दिनों, अभी मुझसे पूछे नहीं दे रहे इन दिनों, मतलब ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं काफ़ी चीज़ों पर काम कर रहा हूँ, फिल्मों में और मैं एक्टर हूँ, एक्टर ही रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं कि मैं नाराज़ हूँ। मैं इनफैक्ट अपने फैन से और चाहने वालों से कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द कुछ अनाउंसमेंट्स करने वाला हूँ, जो बस थोड़ी सी और सबर करनी होगी, और क्योंकि मैंने भी इतनी सारी सबर की है तो मैं मुझे लगता है कि एक अच्छे अनाउंसमेंट लेकर मैं आऊँ और अभी बहुत जल्द आने का।
कोई प्रेशर स्कूल में या कॉलेज में